खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीन जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है, जो कि एक महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक महीने में ऑक्सीजन प्लांट के बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। तीन जिलों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं। तो हिमाचल में लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी बनी हुई थी, इस बीच ये राहत की खबर है। मंत्री ने कहा है कि ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा, जिससे लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी उसको एक महीने के अंदर अंदर दूर कर लिया जाएगा। दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम खुद को सुरक्षित रखते हुए जिस किसी की जैसे हो, जहां हो, मदद कर सके उसके लिए जरूर आगे आए। लेकिन उससे पहले मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाए, हाथों को निरंतर साफ करते रहें। इस बार तादाद बहुत बढ़ गई है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जितने कम से कम केस होंगे उतने ही हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्वास्थ्य के सुविधा पर कम दबाव बन पाएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैंने भी अपने सांसद होने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 105 सिलेंडर भिजवाए। इसके अलावा तीनों जिलों में पीएफए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय किया है। ये सरकार की मदद से बाहर की मदद करवाने का प्रयास किया है, जिसमें 500 एलपीएम का एक प्लांट लगेगा, 120 पीस एलपीएम के दो प्लांट लगेंगे और कुल मिलाकर हम 250 बिस्तर की सुविधा ऑक्सीजन के साथ कर पाएंगे। एक बड़ा योगदान होगा। ये WHO अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और जहां देश भर में चार चार पांच पांच महीने का समय लग रहा है, हम इसको एक महीने के अंदर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में करके देंगे। इसके अलावा पहले भी हमने पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सब कुछ पिछली बार भी बांटा था, लोगों की मदद भी की थी। मैंने 5-6 जिलों में बात की है डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ से, जहां जहां जिस जिस चीज की आवश्यकता है मैं व्यक्तिगत रूप से वो भी हर जिले में मदद करने के आगे आ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी जिला होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी मदद करने के लिए इस समय मैं 24 घंटे उनके बीच में उपलब्ध हूं और जो भी सहायता उनको चाहिए होगी उसको बढ़ चढ़कर